अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ये होता है कि हमारे यहाँ जो माशाल्लाह एक सेटअप बना हुआ है काफ़ी सालों से, वो ये कि मेरी तमाम जो शादीशुदा बहनें और जो मेरे रिश्तेदार हैं जो खास खुर्रम है जो माशाल्लाह वो आते हैं दूसरे दिन, और आज उनकी तैयारी है इंशाल्लाह आने की, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से दिन एंजॉय करें। चलिए भाई, अब मैं पूछूंगी बिल्कुल आपसे कि जब सब आते हैं तो खाना कौन तैयार करता है, उनके खवातीन तो फिर जनाब खास उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर किचन भी संभालती हैं। अभी जो मैंने बोला कि माशाल्लाह भाभी तो स्मार्ट हैं ही, आप जो इतने फिट और हैंडसम लग रहे हैं किस तरह मैनेज करते हैं? समाजी रहनुमा भी हैं जनाब, वहाँ पे भी चीज़ों का ख्याल रखना है, पूरा रमज़ान आपका इतना बिजी गुजरा है, फिर आप क्रिकेटर भी हैं, उसमें फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, तो मैनेज कैसे करते हैं आप? आई थिंक कि सबसे मेन चीज़ है लाइफ का रूटीन सेट करना, और वो इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा, एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप बिलीव करें, पूरे रमजान गुजरे, मैंने एक दिन भी अपनी इफ्तारी नहीं पकोड़े खाए घर के पकोड़े खाए, बाहर मैंने बिल्कुल नहीं खाया। इवन दस्तरखान पे रोज हमारे यहाँ डिफरेंट वैरायटीज लग रही थी, लेकिन मैंने ना चावल खाए ना रोटी खाई। हाँ, सम टाइम शुगर लेवल जब आपको बॉडी में फील हो रहा हो कि यार आज शुगर चाहिए, तो फिर जो मेरी एक कमजोरी है मीठा। वो मैं लाजमी खाता हूँ सम टाइम जब मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ, अपनी ट्रेनिंग करता रहता हूँ। भाभी वैसे पूछ रहे थे खाने के हवाले से, भाभी खाना कैसा बनाती हैं और अब डाइट का इतना ख्याल करते हैं रोमान भाई, तो क्या आपसे खास तौर पर कुछ फरमाइश करते हैं कि डाइट पे कुछ बनाया जाए, या फिर आप जो बनाती हैं बस खा लेते हैं? रोटी नहीं खाता, चावल खा लेता हूँ, चावल नहीं खाता रोटी, ऐसे भी डाइट हो जाती है? नहीं, डाइटिंग तो प्रॉपर फॉलो करते हैं, कभी सैलड्स कभी, और अगर इवन जैसे कोई घर में सालन वालन वो भी बनेगा तो वो भी फिर ब्रान ब्रेड से। अच्छा। रोटी या चावल वो नहीं, डाइट प्रॉपर फॉलो होती है। सही। तो आप खाना अच्छा बनाती हैं, कैसे हैं, लाइक खुश हैं आपके खाना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए जाहिर है जब नया सब इन्होंने माई शादी हुई, उसके बाद जाहिर है अम्मी ने काफ़ी इस चीज़ में इनको बताया कि भाई ऐसे देखो ये टेस्ट है हमारे फैमिली का, हम लोग थोड़ा चटपटा खाने वाले, तो उसके बाद उन्होंने हर चीज़ लर्न करी, और लर्न करने के बाद जब इनको थोड़ा सा कंट्रोल आया हर चीज़ पे, तो माशाल्लाह भी खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, और जिसमें इनको भी क्रेडिट चाहिए और मेरी वालदा को भी चाहिए कि वो बड़ा इनको हेल्प आउट करती है। आंटी आंटी से भी बात करते हैं। लेकिन जो सही मास्टर शेफ है ना हमारे घर की, जिसमें मैं कहता हूँ शायद वो टेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है उस तक पहुँचने की, वो मेरी वालदा की। आंटी से मैंने बातें की अभी ऑफ कैम, तो आंटी माशाल्लाह बड़ी जिंदा दिल खातून है, बड़ी मिलनसार खुश अखलाक हैं, मुझे थोड़ी सी बात करके पता चल गया, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे जब से हम आए हैं। तो आंटी मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले तो आपका ख्याल आपको कैसे आया कि बहू मैंने इसको बनाना है आयशा को, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है, आप बता रहे थे उसमें एक ही जीना था, मुझे पता नहीं था कि मेरी इनसे शादी हो जाएगी, तो ये ख्याल कैसे आपको आया कि मतलब ये आपने सोचा मतलब पहले से कि मैंने आयशा के साथ शादी करनी है? नहीं नहीं ऐसी तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा। लड़की ढूंढ रहे थे इनके लिए। अच्छा। लड़की ढूंढ रहे थे, असल में ये हमारी जो दूसरे नंबर की बेटी है ना जी, जी। उनकी के भतीजी है। अच्छा। चची है मेरी। जी उनकी चची है। सही। फिर हम गए इनके घर, आना जाना तो लगा ही रहता था, तो हमारे शोहर साहब जो ना उनको पसंद आ गई, ये इनकी खूबियां देख के माशाल्लाह हाफिज कुरान। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके। अच्छा, इस वजह से अब रह गया कि स्कूलिंग की वजह से शेफ नहीं बन सकी है। तो ऐसा ऐसा हमारी वाइफ ने इनको माशाल्लाह। नहीं अंकल ऐसे ही होता है, मैंने भी अपने साल में आके खाना बनाना सीखा, मुझे कुछ नहीं आता था। आजकल तो यूट्यूब पे तो सब कुछ चला, नहीं आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ आ जाता है, खाना अच्छा टाइम भी आ जाता है, पकाने की शौकीन माशाल्लाह, अब उसमें मायूस नहीं किया। ओके आंटी, मैं पूछना चाहूंगा रोमान के हवाले से, रोमान आपके खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो बतौर पुत्र बतौर बेटा आप कैसा पाया आपने रोमान को? रोमान इज अ गुड चाइल्ड, लाइक आपके घर में हर तरह के, यूजली जब लाइक हम अपने घर की बात करें, हर किसी घर में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत चुप चुप होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, जिन्होंने मार भी बहुत खाई होती है बचपन में, तो इनका नंबर कौन से लेवल पे था? पहले तो ये माशाल्लाह बेटे ही मेरे एक हैं, चार बेटियों के पास। अच्छा माशाल्लाह। ओके आई नेवर न्यू दैट। ओके नहीं था। अच्छा लाड नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे तंग भी नहीं किया। अच्छा। सताया भी नहीं। मार खाई है? हैं? मार खाई है कोई नहीं? नहीं मार भी नहीं खाई। अच्छा। सुने सुने मैं बता रही हूँ, अगर क्रिकेट खेलने जाते थे मैदान में कहीं, वो भी सही करने के बाद मैं सो जाती थी, तो मैं छुप के जाते थे। जब मेरी आँख खुलती थी मैंने देखा चाबी मेरे नहीं है, तो मैं उठ के जाती थी, बस दूर से इन्होंने देखा, इनके दोस्तों ने। अच्छा। और पता चला कि रुमान की अम्मी आ गई हैं, बस रुमान ने वहीं से देखा, वहीं से इन्होंने मेरे पीछे आना शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे मैंने इनको मारा नहीं पीटा नहीं,
वैसे मेरा जैसा बेटा अल्लाह मैं कहती हूँ सबको नहीं, मैंने बहुत मार खाई अम्मी से, वैसे अम्मी ने मुझे कभी नहीं मारा लेकिन अम्मी ने मुझे बहुत मारा, यहाँ यहाँ थोड़ा उलट है। अच्छा वैसे एक बात है, अच्छा बाजू का ऐसे भी होता है कि जब पता हो ना कि अम्मी आ रही है दोस्तों में फिर ये बन जाता है अम्मी ना भी आ रही अम्मी आ रही है, ऐसा तो नहीं होता। नहीं नहीं मैं सिर्फ अपने अगर कभी मुझे डांट पड़ी है या कभी अब्बू से भी नसीहत हुई है थोड़ा बहुत जो पिटा वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही, अदरवाइज और किसी चीज़ पे नहीं। कि टाइम पे घर नहीं पहुंचा, अगर मगरिब की टाइमिंग थी आधा पौन घंटा लेट हो गया तो उस पर डांट पड़ गई, या सहरी जो मम्मी ने भी सीन बताया कि चाबी तकिए की जो थी तो मैं निकाल लेता था और मैं चला जाता था, बाद में देखते थे क्योंकि स्कूल की टाइमिंग होती थी तो ये कहते थे क्यों इतना थक रहे हो, पहले पढ़ तो लो उसके बाद जितना खेलना हो खेल लेना। तो मुझे क्रिकेट का इतना खेलने का शौक था कि ना मैं दिन देखता था ना मैं रात देखता था, कुछ नहीं देखा। अच्छा वैसे मेरी मेरे मेरे अपने करियर में ना मेरी कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे मैंने इसी तरह इंटरव्यू किया बात हुई है, तो कामरान अकमल के साथ भी मेरी इसी तरह बातचीत हुई थी, तो वो भी यही बताते थे कि मुझे ये क्या कहा जाता था कि पढ़ाई करो और मैं जनाब क्रिकेट का फैन था और मैं काम भी कुछ सीख रहा हूँ ना अगर, तो मैं इसी तरह ऑडिशन देने चला गया था, मैंने इस तरह क्रिकेट को ज्वाइन किया। पढ़ाई में भी जाते थे माशाल्लाह, ज़ाहिर है मोबाइल उस जमाने में आ चुका था तो उसके जरिए इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इंग्लिश इंप्रूव की, वेरी नाइस। और आपने देखा होगा उस टीम के कप्तान भी बने माशाल्लाह, बिल्कुल उन्होंने आजादाना इंग्लिश बोली, किसी ने सिखाया नहीं, माहौल से भी मिल गया और कुछ इम्प्रूव करी नेट से। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है, वरना अक्सर ऐसे होता है कुछ क्रिकेटर्स इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो फिर मजाक भी थोड़ा मनाया जा रहा था कि इंग्लिश नहीं आ रही, फिर उर्दू में बात करने लगते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस भी होता है तो इंसान के इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वैसे भी लाइक यू नो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पढ़ाई के हवाले से हम जब बात करते हैं ओवरऑल जब हमें देखते हैं ये बहुत से लोग तो वो ये जरूर कहते हैं कि पढ़ाई पे तवज्जो दो पढ़ाई पे तवज्जो दो, आप भी कहा करते थे राइट नाउ यू हैव माँ बाप की ख्वाहिश होती है हमारा बेटा पढ़ लिख जाए किसी काबिल बन जाए और अगर कोई लाइन मुंतखब कर ली तो कम अज कम डॉक्टर बने इंजीनियर बने, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तो नहीं बने, इन्होंने खेल के नहीं चले नाम मुल्क का रोशन कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा फखर मेरे लिए कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा शौक आपके क्या है, क्रिकेट तो आप ठीक है खेलते हैं आपका प्रोफेशन भी है, इसके अलावा जब फारिग टाइम होता है तो कहाँ जाते हैं, दोस्त खास कौन है, कोई ऐसा क्रिकेटर जो आपका स्पेशल फ्रेंड हो? क्रिकेट में मैंने दोस्ती बड़ी लिमिटेड रखी हुई है क्योंकि जाहिर है हमारा जो टूर होता है तो हम मेजोरिटी सब इतना एक साथ होते हैं, हम होटलिंग में जब होते हैं तो एक ही कमरे में बैठे होते हैं, तो मैंने क्रिकेट की दोस्ती बड़ा लिमिटेड रखी हुई है। और लेकिन ओवरऑल जो मेरे दोस्त यार हैं बचपन के उसमें से सिलेक्टेड दो तीन दोस्त हैं जिनके साथ मैं गैदरिंग करता हूँ, लेकिन अब जाहिर है सबकी शादियाँ हो गई हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ हो गई है, सब रूटीन में चले गए, लेकिन मेरा अब जो ज़्यादा टाइम गुजरता है वो यही होता है कि जब मैं टूर से वापस आता हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी बहनों को इकट्ठा करके हम लोग कहीं गैदरिंग पे चले जाते हैं, कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं, कहीं पिकनिक पे चले जाते हैं, तो अब क्रिकेट के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास बचता है तो वो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ प्रॉपर तरीके से। बच्चों के हवाले से बताइएगा, एक तो हमारे साथ रूहा मौजूद है, एक रूहान मौजूद है, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह तीन बच्चे हैं और रूहान सबसे बड़े हैं, उसके बाद सेकंड रूहान और तीसरी अभी कुछ अरसे पहले मिन्हा माशाल्लाह जिंदगी में आई है हमारी और अभी वो सो रही है क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो बहुत छोटी है। तो तंग कौन करते हैं अभी? मुझे लग रहा है कि रूहा जो है ज्यादा तंग करती है। अपनी अपना लेवल है दोनों का, दोनों का अपना लेवल है, जब दोनों का मूड होता है तो फिर दोनों खतरनाक हो जाते हैं तंग करने के मामले में, और जब दोनों का मूड अच्छा है तो इनसे अच्छा बच्चा कोई नहीं है। और ये भी इनकी उम्र है देखें शरारतें करने की खेलने कूदने की, और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इनको कोशिश करनी चाहिए कि इनको बेहतर से बेहतर तरबियत दें, लेकिन सुपर एक्टिव अगर आप पूछें दोनों में तो मेरे ख्याल से वो जो आपके बराबर में बैठी है वो आप देख लेंगे वो हर चीज उसको कोई डाउट ही नहीं है ना किसी चीज में, बस उसको कॉन्फिडेंस इतना आई है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी, बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल, जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो, हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा, मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज, CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ, उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।